हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी। आज हमारे साथ फिर से मौजूद है केविन अग्रवाल सर, जो कि एक स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट है। और आज का विषय है गाइस, जब हमें कुछ लगता है, जब बॉडी पेन होता है या बॉल लगता है, जैसे स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें होती है हमारे साथ। एज अ स्पोर्ट पर्सन आपने फील किया होगा कुछ ट्विस्ट हो गया, तो बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि आइसिंग कब करना है और गर्म पानी का सेक कब करना है। ये चीज़ों में काफ़ी आइडियाज़ नहीं है लोगों को कि कभी जब गर्म पानी का सेक करना रहता तो आइसिंग कर लेते हैं, आइसिंग करना रहता तो गर्म पानी का सेक कर लेते हैं। और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता अब तक कि आइसिंग करना चाहिए। मुझे भी काफ़ी साल पहले तक ना ये पता ही नहीं था कि जब कुछ लगा तो आइस करना चाहिए। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ है गाइस। आइस अगर किए तो इंजुरी होगा या हीट किए तो क्या होगा। हाँ, और आइस किए तो इंजुरी भी बहुत जल्दी रिकवर हो सकती है ना, मतलब नॉर्मल पेन। तो आइए शुरू करते हैं गाइस। तो सो आइस या हीट, ये ऐसी आइस क्यों यूज़ होता है या हीट क्यों यूज़ होता है, दोनों बेसिकली आपका ब्लड सप्लाई बढ़ाता है चीज़ों को। हीट डायरेक्ट बढ़ाता है, आइस में एक लुईस हंटिंग रिएक्शन बोलते हैं जिसमें पहले वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और फिर वापस डायलेट करता है। अल्टीमेटली दोनों में ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका बर्न हो गया, अब बर्न हुआ है मतलब हीट के कारण आपका जला है, तो आप उसको आइस करोगे काउंटर बैलेंस करने को, टेम्परेचर आपका जो बढ़ गया है उसको वापस न्यूट्रल लाने को। सपोज आपको मसल स्पाजम हो गया है या फिर टाइट मसल है, अब उसको अगर आपको लूज करना है तो हीट वुड वर्क बेटर इन सच केसेस। अब जैसे स्पोर्ट्स में अगर आप देखते हो, जब आप भागते हो और आपका एंकल ट्विस्ट हो गया, तो ट्विस्ट हो गया, स्वेलिंग हो गया, कोई बोलता है हीट गर्म पानी में डाल दे, कोई बोलता है बर्फ का सिकाई। जब आपका अक्यूट इंजुरी है, ट्विस्ट हो गया, लग गया, गिर गया, उसमें आइस एनी डे बेटर रहेगा। जब आपको इंस्टेंट स्वेलिंग आता है तो आइस बेटर रहेगा। इंस्टेंट कुछ भी हुआ, जैसे ट्विस्ट हो गया पैर या बॉल लग गया, अपने बॉडी को बैटिंग करते वक्त काफी बार लगता है, बॉल चेस्ट पे लग गया या उंगली को बॉल लग गया, या फिर भागते भागते किसी का एल्बो लग गया, बैट ही लग गया, ये केसेस में आइस बेटर रहेगा। और होता भी क्या है कि जब आप आइस यूज करो तब लोग उसको सुन करने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे सपोज घुटने पे उनको पेन है, उन्हें आइस लगाया और फिर बाद में बोलते हैं कि मेरा घुटना सुन हो गया है, इतना आइसिंग कर लिया। सुन होना इज नॉट अ गुड थिंग। आपको आइसिंग उसको घुमाते रहना है, जहाँ आपका बॉडी पार्ट आपका लग रहा है कि सुन हो गया है वो बहुत ज्यादा आइसिंग कर रहा है, वहां पे आपको रोक देना है। लिमिट भी जरूरी, लिमिट जरूरी है। अब जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपने अपना किट बैग उठाया है और जब आप अपने डेस्टिनेशन पहुंचते हो आप बोलते हो कि ये पूरा टाइट हो गया है, ये सिचुएशन में हीट बेटर है। तो अगर कोई क्योंकि मसल टाइट हो गया है। सपोज आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हो, जगह नहीं है, तो आपको बहुत कॉम्पैक्ट जगह मिला है जिसमें आपको एडजस्ट करके जाना है। जब आप बस से उतरते हो तब आपको सडनली फील होता है कि मेरा बैक स्टिफ हो गया है, पेन कर रहा है, ये सिचुएशन में हीट बेटर काम आएगा। राइट, मतलब जब ये इंजुरी का पार्ट नहीं है, ये नॉर्मल ऐसा पेन, पेन हो गया या टाइटनेस की वजह से, स्टिफनेस हो गया। और जब कुछ इंपैक्ट हुआ है, इंजुरी टाइप हुआ, तब बर्फ, तब बर्फ। और हीट भी कितना, अब लोग बहुत सारे हमारे पास ही केसेस आते हैं जो गर्म सिकाई कर रहे थे वो जल गया, बॉडी पार्ट जल गया। गर्म मतलब जलता हुआ, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, गर्म उतना होता है कि अगर मैं बोलूँ कि 5 मिनट के लिए आपको यहाँ पे हॉट पैक करना है तो आप 5 मिनट के लिए कंफर्टेबली रख दो, आपको गर्म फील होगा लेकिन चटके नहीं पड़ रहे, वो आपको ध्यान रखना है। अब हीट में भी एक ड्राई हीट होता है और एक वेट हीट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो इलेक्ट्रिक पैड्स रहते हैं उसको हम ड्राई हीट कंसिडर करते हैं, आपका जो गर्म पानी का जो वाटर बैग आता है उसको हम वेट हीट बोलते हैं, या स्टीम मशीन वेट हीट है। अब आपका बॉडी 70% ऑफ वाटर, जब आप उसको पानी वाला गर्म देते हो तो बॉडी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जब आप उसको ड्राई हीट देते हो हीट के कारण आपको आराम लगेगा लेकिन ड्राइनेस के कारण वहाँ का जो लोकलाइज बॉडी का वाटर कंटेंट है वो कम हो जाएगा। अच्छा, लॉन्ग रन में वो आपके स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है, आपको बर्न के चांसेस है, वो आपके बॉडी को स्टिफ बना सकता है। तो जब आप हीट यूज़ कर रहे हो आप वेट हीट ज़्यादा प्रेफर करो,
ड्राई हीट से। ओके तो सर ये तो इन्फॉर्मेशन थी, पर अब ऐसा मैंने सुना है कि कोई बॉडी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पे बर्फ नहीं लगा सकती या कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे हीट नहीं लगा सकते, तो ये इसमें सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बॉडी आप हीट या आइस कहीं भी लगा सकते हो। अच्छा, जैसे ग्रोइन ग्रोइन स्टिफ हो जाती है तो हम आइस लगाते तब हीट नहीं लगाते? हाँ, क्योंकि स्टिफ हो गया। जैसे आपके पास खुद वो आंसर है रादर देन दूसरों को पूछने के कारण, पूछने से अच्छा आपको खुद को मालूम है कि ग्रोइन स्टिफ हो गया है, बैक पेन कर रहा है, लगा नहीं है, बस सुबह उठा बैक पेन कर रहा है, सब सही चल रहा था। तब बर्फ की गर्म पानी, गर्म पानी, तब गर्म पानी, तो ग्रोइन पे भी गर्म पानी, गर्म अगर स्टिफनेस है, स्टिफनेस अगर इंजर्ड है कि खींच गया तो आइस। ओके, तो सिंपल वर्ड्स में जब अक्यूट केसेस है, मेरे को लग गया, मैं गिर गया, कुछ मेरे पे आ गया, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और फिर हमारा इम्पैक्ट इंजुरीज, इसमें आइस बेटर काम करेगा। अगर आप बोलते हो कि मुझे नहीं पता, बस सुबह उठा दर्द हो रहा है, या फिर बहुत पुराना इंजुरी है ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपका मसल स्पाज़म हो गया, आपको लग रहा है सुबह बेड से उठा गर्दन नहीं घुमा पा रहा हूँ, ये केसेस में हीट वुड वर्क बेटर। ओके, एक और केस रहता है जिसमें लोग बोलते हैं कि आप आइस या हीट दोनों यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जब आपका कोई भी कंडीशन क्रॉनिक हो जाता है, बहुत टाइम हो गया, महीना भर हो गया, दो महीना हो गया, स्वेलिंग भी है लेकिन वो बढ़ भी नहीं रहा है और जा भी नहीं रहा है, आपके मूवमेंट है लेकिन वो पेनफुल है, ये केसेस में आप आइस और हीट दोनों यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग कॉन्ट्रास्ट बाथ बोलते हैं। सो मे बी आप 7 मिनट का हॉट वाटर यूज कर लो, 4 मिनट का आप कोल्ड यूज कर लो, तो इससे क्या होगा, वो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ब्लड वेसल का एंड रिस्ट्रिक्शन होगा, तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा, जिसके कारण जो आपका जो डिटॉक्स ब्लड है जो वो इंजर्ड एरिया में जमा है वो वॉश आउट हो जाएगा। ओके, तो मतलब क्रोनिक कोई भी चीज है उसमें थोड़ा सा गरम और ठंडे का मिक्सचर दोनों यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कंडीशन टू कंडीशन। ओके, जैसे कि फिर से ये कंडीशंस पे आ गया गाइस, ये जनरलाइज वीडियो है, मैं मेरे प्रेक्षकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, इसे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, ये बेसिक वीडियो है, बेसिक कंटेंट पे है, और जब कोई सीरियस इंजुरी रहती है तो उस पे आपको स्पेसिफिक हॉस्पिटल में जाके फिजियोथेरेपिस्ट पे जाके कंसर्न लेके कंसर्न करिए, क्योंकि ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए कि अगर आप बोले कल बोलेंगे कि एकदम से हो गया मुझे और मैंने ये किया, ऐसा नहीं रहता है, कभी कभी कंडीशन के हिसाब से चेंजेस भी करने पड़ते हैं। कॉमनली कॉमन कंडीशंस में आप ये यूज कर सकते हो, राइट, लेकिन अगर आपका कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है जिसमें आप हीट एलर्जिक हो, किसी किसी को गर्म करने से पेन बढ़ता है, अच्छा, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन बहुत सारा है, सो उन केसेस को अगर आपने गर्म किया तो उनका पेन बढ़ जाएगा। तो आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। अगर जैसे किसी किसी को आप देखो कि बोलेंगे कि मैं बर्फ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पेन बढ़ जाता है, उनको गर्म सिकाई से बेटर रिजल्ट आएगा। तो ये केसेस रहते हैं जिसका आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर आप देखोगे तो ये आइस या हीट इसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो था गाइस, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको अपना जिम शेड्यूल बनाना है, पर्सनलाइज जिम शेड्यूल बनाना है, तो कांटेक्ट कीजिए मेरे ईमेल आईडी पे और अपना पर्सनलाइज जिम शेड्यूल बनाइए एज अ क्रिकेटर जिनको भी उनकी जरूरत है। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग मी, कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।